नहीं, बॉलर्स आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर में होगा क्योंकि आपके पास 60 बॉल हैं, आपको 10 विकेट मारनी होती है, तो बैट्समैन थोड़ा फ्रीली खेलेगा, उसको मालूम है कि विकेट पीछे है, अगर मान लो दो तीन विकेट जल्दी भी जाती है तो और बैट्समैन हैं जो संभाल लेंगे। तो इसमें 60 बॉल के क्रिकेट में आप ज़्यादा दबाव बॉलर्स पे होगा, बिल्कुल सही बोला आपने। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हैट्रिक बॉल फेस करा बल्लेबाज तो ये सोचेगा बॉस सिंगल ले लूँ, ऐसा नहीं, वो हैट्रिक बॉल को छक्का मारने जाएगा, तो वहाँ ज़्यादा चांसेस हैट्रिक मिलने को भी बॉलर को, तो ये थोड़ा ये भी होने वाला है कि जहाँ ज़्यादा चौके छक्के लगेंगे पर गेंदबाज को हैट्रिक मिलने का भी बहुत चांस है इस फॉर्मेट में। बहुत बड़ा मोमेंट था, आई मीन मैं तो सारे मैच देखे, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैंने मैचेस देखे, और आई इन्जॉयड द वे गर्ल्स वर प्लेइंग। WPL में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि उसमें पावर हिटिंग भी दिखी, उसमें हमने अच्छी कप्तानी भी देखी, हरमनप्रीत कौर की बात करें, अच्छा कप्तानी करी, उनकी बैटिंग अच्छी हुई, तो ओवरऑल ये इंस्पायर करेगा जो और भी लड़कियां हैं जो जिनका सपना होता है, ख्वाहिश है कि वो भारत के लिए खेलें, तो WPL एक 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 सीढ़ी बन जाएगी जिस पे आप खेल के भारत के लिए भी आप खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है भारत इंडिया में कि WPL एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहा है, और हमारी लड़कियां जो छोटे शहरों में हैं, बड़े शहरों में, सबका सपना तो होता है खेलना क्रिकेट, तो इससे बहुत ज़्यादा उनको इंकरेजमेंट मिलेगी, उनके रोल मॉडल्स और बढ़ जाएंगे। अभी तो फॉरेन प्लेयर्स भी यहाँ खेल रहे हैं, तो वो भी एक एक उनको भी आप देख सकते हैं कैसे फॉरेन प्लेयर्स भी यहाँ के खेलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक सीख मिलेगी हमारी जो भारतीय लड़कियाँ हैं उनको, प्रोत्साहन मिलेगा क्रिकेट को खेलने के लिए। मुझे मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि अगर आप टायर्ड हो, बॉलर अगर टायर्ड है तो वो ब्रेक ले ले। IPL फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट है, इसमें जो फ्रेंचाइज लोग हैं सारे कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बोलने वाले हैं कि अच्छा आप थक गए हो प्लेयर आप ब्रेक लो। उनके लिए हर एक मैच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि IPL में अगर एक मैच आप हार गए तो बहुत दबाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो रोहित शर्मा या द्रविड़ ने या BCCI ने बोला है कि अगर आप टायर्ड हो तो ब्रेक ले लो, मुझे लगता है कि फ्रेंचाइज वो करने वाली। हाँ, अगर प्लेयर गया, खिलाड़ी गया कि भाई मुझे ब्रेक चाहिए, मैं मुझे एक आध दो मैच का ब्रेक दे दो, मैं थका फील कर रहा हूँ, वो अलग बात है, पर फ्रेंचाइज मुझे नहीं लगता कि मैं फ्रेंचाइज का हिस्सा रहा हूँ। दिल्ली कैपिटल्स में 3 साल काम किया मैंने, मुझे हमने हमेशा बेस्ट प्लेयर को खिलाने की कोशिश करी है, इवन दो हम क्वालिफाई भी कर गए फिर लगता है कि हम टॉप 2 पे फिनिश करें, टॉप 1 में फिनिश करके डायरेक्टली फाइनल में पहुंच जाएं, ये सब भी पंगे होते हैं IPL में, तो बहुत आसान टूर्नामेंट नहीं, बहुत मुश्किल टूर्नामेंट है जीतने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि फ्रेंचाइज बोलेगी प्लेयर को कि आप ब्रेक लो। तो ये थोड़ा ट्रिकी वाला है कि जहाँ हमने तो बोल दिया कि बॉस थके हो तो ब्रेक ले लो, पर ऐसा होने वाला है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो शायद माइंड में ना हो, पर एक तो ये टायरिंग टूर्नामेंट है मैं समझ सकता हूँ, पर 20 ओवर का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग नहीं है। हम लोग भी, हम 42 साल हो गए, मैंने भी एक डाइविंग कैच लिया है, तो मैं भी अभी भी पूछ सकता हूँ भाई 42 साल में, तो मुझे पता है कि ना कल 2 दिन के बाद ब्रेक है एक दिन, क्योंकि इसमें रिकवरी जल्दी हो जाती है। 20 ओवर के मैच में आप 3 घंटा लगाया आपने, फिर अगला दिन नेक्स्ट डे आपका ब्रेक, अगर तो आप रिकवर हो भी जाते हो, हाँ अगर, पर मेरा मानना है कि जितना लोग हम मान के चलते हैं कि बहुत टायरिंग टूर्नामेंट है, शायद उतना नहीं है, क्योंकि 20 ओवर 3 घंटे में निकल जाता है, और अभी ऐसा भी होता है कि अभी इस बार शायद थोड़ा टायरिंग हो कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, बिकॉज व्हेन वी वर इन UAE सो ट्रैवलिंग वॉज लेस, कैचिंग फ्लाइट, गोइंग टू एयरपोर्ट, वो टायरिंग होता है मोर देन प्लेइंग। द ओवरऑल रूटीन इज़ वेरी टायरिंग, बिकॉज फिर पैक करो, रूम चेकआउट करो, बाहर निकलो, वो प्लेयर के लिए बहुत टायरिंग होता है कि वो बस में बैठो, तो वो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है, वो टायरिंग होता है जो इस बार होने वाला है IPL में। पर BCCI ने एक अच्छा काम किया कि कई टीम ना अगर वो ट्रैवल करती हैं तो वो बाहर बाहर 3-4 मैच खेल के फिर दे कम बैक टू द होम ग्राउंड, लाइक अपने वेन्यू पे आती हैं, तो वहाँ वेन्यू पे 1 वीक बिताते हैं वो लोग, तो वो अच्छा है। पहले जब हम खेलते थे IPL तो एक बार होम एक अवे, होम अवे, तो एवरी सेकेंड डे वी आर ट्रैवलिंग, दैट वॉज अ वेरी टायरिंग टूर्नामेंट जब हम खेले 2008-09-10 में। अभी शायद BCCI ने बड़ा अच्छा काम कर दिया कि जब आप इफ़ यू कम बैक होम
then you are staying there for say 1 week, 10 days, you play 3-4 matches, then you travel again. So it's a अच्छा thought है, इससे बहुत अच्छा काम किया कि एक जगह रुक के आप खेल लो. तो more than playing, I think it's a travelling that probably a killer part in the IPL. Player get more tired. But if you ask me personally, I think 20 over का match तो 42 साल के लोग भी खेल रहे हैं, 40 साल का क्रिस गेल तो वो भी खेल रहा था. तो ये ऐसा फॉर्मेट है जहाँ यूथ और जो बहुत फिजिकली फिट नहीं भी है पर उसके पास स्किल है, वो छक्का मार सकता है, उसके लिए भी फॉर्मेट बना हुआ है. तो ये इसीलिए लोग जो रुझान बढ़ गया है क्योंकि इसमें यंग को भी देखने को मिलता है एज वेल एज जो 40 साल का प्लेयर वो भी खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है. तो ये फॉर्मेट आपको अलाउ करता है कि हर तरह का प्लेयर खेल सकता है इसमें. और आई डोंट थिंक इस हाईली फिजिकली डिमांडिंग कम्पेयर टू टेस्ट मैचेस. और उसे टेस्ट मैचेस इज मोर टायरिंग बिकॉज लगातार 5 दिन सुबह उठना होता है, थके हो फिर भी आपको 20 ओवर डालना होता है, वो ज़्यादा टायरिंग है कम्पेयर टू आईपीएल बिकॉज आपको एक दिन तो ब्रेक मिलता है. 20 ओवर में खेलने के बाद आपको अगर एक दिन ही ब्रेक मिल गया तो आप रिकवर कर जाते हो. वेल आई थिंक आई डू अग्री विथ यू नो आई सेड व्हेन आई सेड अर्लियर अबाउट द फैक्ट दैट दिस वर्जन ऑफ द गेम द T10 वर्जन ऑफ द गेम. When I spoke to one of my, colleagues, he said that it opens up a different dimension. And I really think when you get into the mindset of, you know, how would you approach a game like this? As a cricketer, you feel like, oh yeah, you don't really have too much time. As a batter, you have to go in there and you got to get things moving very, very quickly. You got to assess conditions very, very quickly. So I think it really kind of throws up a lot of different new aspects and a sense of carefreeness that comes along with, you know, say playing tennis ball cricket, right? There's a sense of carefreeness that I can attach to it as a cricketer that I can't attach to when I'm playing, you know, professional cricket. But I think that carefree attitude will have to be exercised here to be able to get the most out of yourself and for your team. Hello. Under-19 team to victory in the under-19.